इन चैनल्स ने लाखों रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है कुछ ही महीनों के अंदर, वो भी सिर्फ एआई की मदद से। इतना ही नहीं, इनके चैनल्स बहुत ही कम टाइम में ग्रो हुए हैं और इनकी वीडियोस पे मिलियन में व्यूज आते हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है इस नीच के कारण जिसके ऊपर ये क्रिएटर्स वीडियोस बना रहे हैं। बट जब मैंने रिसर्च की कि इंडिया में कोई तो ऐसा चैनल होगा जो इस नीच के ऊपर काम कर रहा होगा, आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मुझे एक भी ऐसा चैनल नहीं मिला जो कि इस नीच के ऊपर वीडियोस बना रहा है। इसका मतलब कि इस नीच में अभी कॉम्पिटिशन जीरो लेवल का है, और अगर तुम एक न्यू चैनल को स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे चैनल के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वीडियो के आखिर तक तुम्हें पता चल जाएगा कि इन वीडियोस को किस तरीके से बनाया जाता है, एआई वॉइस कहां से लेना है, एआई पिक्चर कहां से लेना है, स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है और भी बहुत कुछ। ऑल यू नीड टू डू जस्ट फॉलो माय ब्लूप्रिंट। बट पहले तुम ये देख लो कि मैं किस नीश के बारे में बात कर रहा हूं। The Gabalus had the most bizarre ways of having fun. He once let lions and leopards free during a grand feast, and if that wasn't enough, he let loose snakes into a huge crowd during a gladiator contest. Yes, मैं बात कर रहा हूँ हिस्टोरिकल फैक्ट वीडियोस के बारे में। हिस्ट्री के बारे में जानना किसको पसंद नहीं होता है, और खास करके इंडिया जैसी कंट्री जिसका कल्चर 2000 साल पुराना है। इसका मतलब कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, और हर बार की तरह इन वीडियोस को बनाने के लिए नोवा तुम्हारी मदद करेगा। Hey guys, क्या मुझे भूल तो नहीं गए? चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इन वीडियो को जल्दी से बनाते हैं। मैं बीच में तुम्हें कुछ स्टेप्स बताता रहूंगा। क्रिएटिंग अ न्यू चैनल इज द बेस्ट ऑप्शन। और हाँ, अपने चैनल को एक यूनिक नाम देना और दो दिन के बाद ही इन वीडियोस को अपलोड करना, क्योंकि दो दिन से पहले YouTube का एल्गोरिथम शॉर्ट्स को उतना ज्यादा पुश नहीं करता। ये वीडियोस इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि इनके अंदर जो फैक्ट बताए गए हैं वो बहुत ही कमाल के हैं, और ऐसे फैक्ट बताए गए हैं जो लोगों ने कभी नहीं सुने। और ऐसे फैक्ट्स को ढूंढने के लिए तुम दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट वन इज द पिंटरेस्ट। सिंपली इस प्रॉम्प्ट को तुम गूगल पे सर्च कर लेना, जिसके बाद तुम्हें पिंटरेस्ट की वेबसाइट पे जाना है, जिसके बाद तुम्हें ऐसे हजारों यूनिक फैक्ट मिलेंगे जो लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे। अब है दूसरा स्टेप, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे तुम सिंपली ये वाला प्रॉम्प्ट डाल देना, जिसके बाद चैट जीपीटी तुम्हें ऐसी स्क्रिप्ट निकाल के देगा। स्क्रिप्टिंग डिसाइड करेगी कि तुम्हारी वीडियो वायरल जाएगी कि नहीं। अपनी स्क्रिप्टिंग के दौरान अपने 5 सेकंड के फर्स्ट इंट्रो के ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहनत करना। तुम अपने इंट्रो की शुरुआत अपनी वीडियो में कुछ इस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री के कुछ ऐसे फैक्ट जो तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें कभी नहीं बताए होंगे। एग्जांपल नंबर 2, हिस्ट्री के कुछ ऐसे फैक्ट जो तुमने कभी नहीं सुने होंगे। एग्जांपल नंबर 3, ये हिस्ट्री के फैक्ट सुनने के बाद तुम्हारे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। या तुम और भी इंट्रो हुक बना सकते हो जिससे ऑडियंस तुम्हारी वीडियो को स्किप नहीं करेगी। पिंटरेस्ट और चैट जीपीटी से जो भी फैक्ट तुम्हें मिलते हैं उससे खुद की एक स्क्रिप्ट लिख दो। उसके बाद चैट जीपीटी पे जाओ और सिंपली अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर ये वाला प्रॉम्प्ट डाल देना, जिसके बाद चैट जीपीटी तुम्हारी स्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी गलतियां हैं उन्हें ठीक कर देगा और बेटर स्क्रिप्ट निकाल के देगा। वैसे तो तुम वॉइस ओवर के लिए खुद की वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं 11 लैब्स का इस्तेमाल करूंगा। सिंपली कोई भी एक हैवी वॉइस को ढूंढ लो। Allow the world to live as it chooses and allow yourself to live as you choose. और अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दो और जनरेट पे क्लिक कर लो, जिसके बाद तुम्हारा वॉइस ओवर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे तुम डाउनलोड कर लेना और तुम्हारा वॉइस ओवर कम्प्लीट। चैट जीपीटी पे वापस जाओ और जो उसने स्क्रिप्ट दी थी उसके नीचे ये वाला प्रॉम्प्ट लिख दो, जिसके बाद चैट जीपीटी हमें वो सारे प्रॉम्प्ट्स दे देगा जो कि हमने एआई इमेजेस को बनाने के लिए लिखने हैं। अब हम जाएंगे लियोनार्डो एआई में। ये एक फ्री तरह का एआई टूल है जो कि किसी भी इमेज को जनरेट कर सकता है। वैसे तुम और भी एआई टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो, बट मेरे पास फिलहाल यही है तो मैं यही यूज करूंगा। चैट जीपीटी से जो भी हमें प्रॉम्प्ट मिला था उसे एक एक करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसके ऊपर क्लिक करके एब्सोल्यूट रियलिटी के ऊपर क्लिक कर देना, जिसके बाद तुम्हें ये काफी ज्यादा अच्छे फोटोज निकाल के देगा। और एक एक करके सभी प्रॉम्प्ट्स को बारी बारी से डालकर तुम इन सभी फोटोज को डाउनलोड कर लेना। अब नोवा तुम्हें बताएगा कि एडिटिंग कैसे करनी है। बिल्कुल, एडिटिंग तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इंस्पायर ने तुम्हें इस वेबसाइट के बारे में क्यों नहीं बताया जिससे तुम्हारी वीडियो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा। सिंपली runway.ai गूगल पर टाइप करो और इस वेबसाइट पर लोगो करना, और फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपल, यहाँ पर क्लिक करो और अपनी एआई जनरेटेड फोटोज को अपलोड करो और जनरेट पर क्लिक करो और 2 मिनट वेट करो, जिसके बाद ये तुम्हारे इमेज में मोशन डाल देगा। अब देखो ये इमेज कितना सही लग रहा है। अब एक एक करके ही सभी इमेजेस को जनरेट कर लो, और अब आते हैं एडिटिंग पर। सबसे पहले जो इमेजेस हमने रनवे पर बनाई थी उन्हें लेकर आओ और वॉइस ओवर भी एड कर दो। आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, अपने वॉयस के हिसाब से इमेजेस को एडजस्ट कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बोल कुछ और रहे हो और वीडियो में कुछ और ही दिखाया जा रहा है। एक बार इन सभी इमेजेस को एडजस्ट कर लो और हर एक इमेज में की फ्रेमिंग करो, जैसे कि इस वीडियो को जब जूम करो और यहाँ पर इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और फिर लास्ट में इसे छोटा करो, और देखो तुम्हारी की फ्रेमिंग भी हो गई है। अब ये जो तुम्हें लाइन दिख रही है इस पर क्लिक करो और इफेक्ट को एड करो। तुम्हें यहाँ पर बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये लास्ट वाला ज्यादा यूज करना, और इसके बाद इफेक्ट पर क्लिक करना और जितना हो सके अच्छा इफेक्ट अपनी वीडियो में लगाना, और बस तुम्हारी एडिटिंग पूरी हो गई। और इसके बाद तुम कैप्शन भी डाल सकते हो अपनी वीडियो में, जिसके लिए तुम जीमो ऐप का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जल्दी से एडिटिंग करके तुम्हें रिजल्ट दिखाता हूँ। हिस्ट्री के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो तुमने स्कूल में कभी नहीं सुने, यकीन करो सच में नहीं सुने होंगे।
अकबर, जो कि मुगल डायनेस्टी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग माना जाता था, उसने 9 साल की उम्र से ही राज करना शुरू कर दिया था। हुमायूं, जो कि अकबर का पिता था, उसकी मौत सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। व्हाट अ जोक मैन। अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हें बालों के हेयर स्टाइल के बारे में बहुत नॉलेज था और अपने बालों को बनाने के लिए वह कभी कभी कागज का इस्तेमाल किया करते थे। पर कैसे? इंडिया के ऊपर रूल करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त था, जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की थी। जातिवाद के समय में छोटी जात की औरतों को अपने ऊपर के शरीर को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, और जो भी औरत बिना टैक्स दिए ऊपर कपड़े पहनती थी तो उसे मार दिया जाता था।